हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लेसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं दोस्त नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो है संख्या इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी संख्या दिया हुआ रहता है, उसका इकाई का अंक ज्ञात करना। और ये जनरली अभी पूछता नहीं उतना रियलिटी, लेकिन कभी हो सके बायचांस सिलेबस में है पूछ दे, तो जो क्वेश्चन पूछ देता है और नहीं पढ़ा रहता तो पूरा पहाड़ लगता है। इसीलिए मैं इसको भी थोड़ा सा देख लेता हूँ और ट्रिकली दूंगा, बेसिक से चलूँगा कि इकाई अंक आखिर है क्या। तो चलिए चलते हैं। बोल रहा कि संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, अर्थात इंग्लिश में बोले ना दोस्त, द डिटरमिनिंग द ओवंस प्लस ऑफ अ नंबर, मैंने किसी नंबर किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है, समझे। चलिए तो देखिए, किसी संख्या का इकाई अंक बोलिएगा, इतना इजी है तो आराम से बना लेंगे। जैसे देखिए, मान लिए 2 3 4 5 00 8 9 6, ये कोई संख्या दिया हुआ है। क्या दोस्त? संख्या। इसमें पूछे कि इसका इकाई अंक बताइए, तो आप आराम से बताइएगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे जाते हैं, अर्थात इकाई अंक आ गया 6। मान लिया कोई संख्या दे दे 36 72, इकाई अंक पूछे तो बोलिएगा 2। समझ रहे हैं इकाई अंक किसे कहते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा तो सिंपल बन जाएगा, लेकिन मैटर कहाँ फंसता ये बताते हैं। जब आपको दे दे, मान लिया एकदम छोटा 23, इसका पावर दे दे 35, अब मैटर फंसता है। मान लिया एकदम सिंपल रहेगा, रहेगा इसे 46, एक कर पावर रहेगा 42, क्लियर। तो अब यहाँ मैटर फंसता है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, पहले बेसिक से आराम से समझेंगे कि इकाई अंक इसको कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम ट्रिकली बता देंगे। तो जब ऐसा पावर रहे ना, तो आप यहाँ देखिए कि कोई भी संख्या लिखाता है दोस्त, बोले थे कि अंक की सहायता लेते हैं डिजिट की, अर्थात आपको ये जो नज़र आएगा ना, वो आपको लास्ट में या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही नज़र आएगी। आगे जो संख्या रह जाए, आगे से मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक जब निकालना ना दोस्त, तो इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। आगे इसका जो भी संख्या रहे, मान लिए 9 9 9 रहे और लास्ट में 0, 2 2 1 रहे लास्ट में 1, ऐसा कुछ भी रहा था, तो हमको लास्ट वाले संख्या देखना है, तो इकाई अंक में इतना ही संख्या आ सकती है लास्ट में। तो इतना संख्या के अगर पावर रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में बताते हैं। अर्थात हमें टोटल 10 अंक की प्रॉपर्टी जान लेनी है और इकाई अंक हम बता देंगे कि कैसे होगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए, चलते हैं कि कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, वो आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा ना मेरे दोस्त, आराम से बन जाएगा। देखिए, जैसे हम किसी संख्या मान लिए लिख देते हैं 0, इतना संख्या, और इसके पावर 9 लिख देते हैं, क्लियर। तो देखिए, 0 लास्ट में कितना है 0, अर्थात 0 के पावर 9, तो पता है दोस्त कि इकाई अंक में हम सिर्फ 0 ले लेंगे और इस पर पावर 9 कर देंगे। तो बताइए कि किसी भी 0 पर पावर 9 लिखिए या 10 लिखिए या 11 लिखिए, डॉट 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 जितना भी पावर लिख दीजिए, उसका वैल्यू आएगा 0, अर्थात यूनिट डिजिट 0 के पावर कितना भी रहे उसका कितना आ जाएगा 0। ऐसा ही दोस्त, अगर कोई संख्या के लास्ट में हमें 1 नज़र आए, क्या है, और इस पर पावर चाहे जितना रहे, हम लोग पढ़ें कि 1 पर पावर चाहे जितना, 1 को चाहे जितना बार आप गुना कीजिए, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। अर्थात 0 और 1, एक कंडीशन आप समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट में जिस संख्या के लास्ट में 0 और 1 नज़र आ जाए, उसको आँख मुन के वहीं यूनिट डिजिट लिख देना है 0 और 1। अर्थात अगर संख्या आपको आ जाए 361 के पावर 512, पावर जितना दे दे, टेंशन लेना नहीं है, आराम से लास्ट में कितना नज़र आ रहा है 1, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। अब सही 1 की जगह पर 0 आ जाए, तो उसका इकाई अंक हो जाएगा 0। जाएगा 0 1 तो हटा दिया, अब 2 पर आते हैं। तो देखिए, जब 2 के पावर 1 रहेगा,
तो कितना होगा दो। क्लियर। जब दो के पावर दो रहेगा कितना हो जाएगा दोस्त चार, जब दो के पावर तीन होगा कितना हो जाएगा आठ, जब दो के पावर चार हो जाएगा कितना हो जाएगा सोलह, जब दो के पावर पाँच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए हमको इकाई अंक ना निकालना है, तो यहाँ सोलह आ गया तो एक नहीं लेना, सीधा लिखना कि इकाई अंक होगा छः, दो के पावर चार की इकाई अंक छः, दो के पावर पाँच की इकाई अंक, दो के पावर पाँच होगा बत्तीस अर्थात इकाई अंक दो, दो के पावर छः ये हो जाएगा चौंसठ अर्थात इकाई अंक चार, दो के पावर सात चौंसठ दुनिया एक सौ अट्ठाईस अर्थात इकाई अंक आठ, दो के पावर आठ तो एक सौ अट्ठाईस गुने दो दो सौ छप्पन अर्थात इकाई अंक छः, दो सौ छप्पन हटाइए इकाई अंक कितना छः। ऐसी डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब देखिए दो के ओकर बाद बताते हैं, थोड़ा सा चलिएगा, जैसे तीन के पावर ले लेते हैं एक तो कितना हो जाएगा दोस्त तीन, तीन के पावर दो तो कितना हो जाएगा नौ, तीन के पावर तीन कितना हो जाएगा सत्ताईस, सत्ताईस की इकाई अंक लेना है सात, क्योंकि यूनिट डिजिट में हमको निकालना है इकाई अंक, तो इस सत्ताईस में हम दो नहीं सीधा सात से मतलब रखना सात लेना। क्लियर। अब देखिए वैसे ही तीन के पावर चार, तो तीन के पावर चार अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा सतैती इक्यासी यानी एक, एक हो जाएगा नहीं। देखिए गुना कर लेते हैं, तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन, देखिए चार बार गुना तो तीन तीये नौ और तीन तीये नौ और नौ नौ मा इक्यासी तो कितना हो जाएगा एक। क्लियर। अब देखिए यदि तीन के पावर पाँच कर दें, मैटर समझिएगा, तो देखिए तीन गुना तीन गुना तीन एगो और तीन बढ़ा दें तो देखिए ए दोनों के तो इकाई अंक एक आया यहाँ तक के, और इसमें गुना करेंगे तीन अर्थात तीन आ जाएगा। हमको कहने का अर्थ है दोस्त कि सिर्फ इकाई अंक लेते चलना है, तो तीन तीय नौ और तीन तीय नौ नौ गुने नौ इक्यासी, इक्यासी की इकाई अंक एक ले लिया गुना तीन तो तीन आ गया अर्थात इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा तीन। और सही तीन के पावर छः करेंगे ना तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये पाँच है फिर तीन के एक और तीन बढ़ जाएगा तो तीन तीय नौ इकाई अंक कितना नौ। ऐसे ही तीन के पावर सात करेंगे ना दोस्त तो इकाई अंक हो जाएगा सात, नौ सत्य तिरसठ सात। ऐसे तीन के पावर आठ करेंगे ना दोस्त तो सतैती इक्यासी इकाई अंक एक। बोलिए ऐसा क्यों हम इतना डीपली ले जा रहे हैं, इतना डीपली से मैं एक ट्रिक निकालता हूँ जो हर संख्या पे सुटेबल होगा और इतना ईजी वे में इकाई अंक का क्वेश्चन बनेगा ना दोस्त कि आप लोग बोलिएगा कि इतना ईजी कैसे है। थोड़ा सा कॉमन सेंस और दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बस एक सेकेंड देखिएगा ध्यान से कि यदि दो के पावर एक रहता है तो दो, दो के पावर दो तो चार, दो के पावर तीन तो आठ, दो के पावर चार तो छः, दो के पावर पाँच तो दो, दो के पावर छः तो चार, दो के पावर सात तो आठ, दो के पावर आठ तो चार। जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ से चलते हैं कहाँ तक, यहाँ तक दो चार आठ छः दर्शन हुआ, फिर जब नीचे आते हैं दोस्त तो दो चार आठ छः, फिर यही रिपीट हो रहा कि ना रिपीट हो रहा होगा, आप लोग बारीकी से देखिए दो चार आठ छः दो चार आठ छः ऐसी जाएगा दो चार आठ छः, यहाँ पे आ जाइए तीन नौ सात एक। क्लियर। फिर नीचे आइए तीन नौ सात एक, रिपीट हो रहा दोस्त। ऐसे ही हर संख्या में निकालिएगा ना तो चार अंक के चार डिजिट के बाद यानी पावर के चार पावर के बाद एक का होता है ना इकाई अंक रिपीट होते जाता है, तो इसीलिए दोस्त जब चार संख्या के बाद इकाई अंक रिपीट होता है तब यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि किसी भी संख्या पर पावर कितना क्यों ना हो जाए उसको हम लोग चार से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। चार से डिवाइड करेंगे और उसका शेषफल से मतलब रखेंगे और उसका शेषफल से मतलब रखेंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए और शेषफल जो आएगा ना उसी का इकाई अंक लिख देंगे। मान लीजिए जैसे ही तीन के पावर इतना शेष चार से अगर भागा दिए, अगर हमको शेषफल आ गया दो, कितना आ गया दो, तो इतना बड़ा पावर नहीं देखना है, आराम से दो देखना। तीन के पावर दो रहता है तो क्या होता है, तो तीन के पावर दो रहता है तो नौ होता है, तो इकाई अंक नौ लिख देना। अर्थात कहने का अर्थ है कि आप लोग चार को याद कर लीजिएगा सभी डिजिट का, ऐसे ही दो के तीन के सात के आठ के नौ के,
और उसके बाद आप चार से भाग दे देकर आप बना लीजिएगा शेषफल, आराम से इकाई अंक निकल जाएगा। तब देखिए दोस्त कि चार से ही क्यों भाग देते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो देखिए जब चार से भाग इसलिए देते हैं कि चार अंक तक के यूनिट डिजिट, चार अंक के बाद यूनिट डिजिट बदलते रहती है, पावर चार के बाद बदलते रहता, तो इसीलिए चार से भाग देते हैं। और आपको पता है कि जब चार से भाग दे रहे हैं ना तो शेषफल हमेशा तीन ही आएगी, चार तो आ नहीं सकती है, चार शेषफल कहाँ से आएगा, जीरो हो जाएगा कट के। तो जब आपको पता भी है कि जब हम चार से किसी संख्या में भागा दे रहे हैं तो इसका शेषफल इससे छोटा ही आएगा, तो इससे चार से छोटा हो सकता है या तो एक आए, दो आए, तीन आए, चार तो आएगा नहीं, कट जाएगा। तो इसीलिए अब जो हम एक ट्रिक सब पर दे देते हैं कि यूनिट डिजिट में चाहे जितना पावर पूछे आपको एक आवेगा क्वेश्चन, तो आपको चार से उस पावर में भाग दे देना है और जितना शेषफल बचेगा उसी शेषफल के पावर लिखकर उसी का इकाइयां लिख देना। क्लियर मेरे दोस्त, चाहे वो 9 हो, 10 हो, कोई भी संख्या हो। और बताते हैं यदि भाग दें और पूरा पूरा कट जाए, ये भी कंडीशन हो सकता, यदि भाग दे और पूरा पूरा कट जाए, जैसे यही संख्या देखिए इसको अगर करेंगे ना, तो देखिए एक मरतबे चार ये छः, एक मरतबे चार दो सच्चो अट्ठाईस, ये पूरा पूरा कट गया ना, इसका शेषफल आ गया जीरो। क्या आ गया, शेषफल आ गया जीरो। तो जब शेषफल जीरो आ जाए ना दोस्त, तो उसको पावर चार मान लेना है। क्या मान लेना है कि तीन के पावर चार है, और आपको पता है कि तीन के पावर चार के इकाइयां कितना, एक, कितना होगा इकाइयां, एक। क्लियर, तो देखिए कैसे बताएं वो आप लोग समझिए। हमने बताया कि कोई भी संख्या रहे, चाहे वो संख्या कितना ही बड़ा ना आ जाए, जैसे देखिए बताते हैं, मान लिया कि दो तीन दो सात आठ सात, एक कर पावर 268। क्लियर मेरे दोस्त, 68 चाहे इसको 67 मारिए, क्लियर कट जाएगा इसे। तो इसका पूछेगा इकाई अंक, इकाई अंक पूछेगा, कुछ नहीं करना है, इसको चार से डिवाइड कर देना। क्लियर, ऐसे आता है डिवाइड करना तो सही ना, तो बच्चा वाला ट्रिक ऐसे लागू करना है, अब बस डायरेक्ट डिवाइड कर देना 267, चार से करेंगे 6 चौ 24, दो बचा 27, तो फिर 6 चौ 24 24 हो गया, बचा कितना, 7 में 4 गया 3, पावर कितना, शेष कितना बचा, 3। शेष से ही मतलब रखना, तब समझना है कि 2 7 8 7 के पावर हो गया 3, ऐसा समझ जाना है। अब 7 के पावर 3 रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, मैंने टोटल को बता दूंगा कि 7 के पावर 3 रहेगा तो क्या होगा, लेकिन अभी देखिए 7 के पावर 3 है तो इकाई अंक क्या होगा, कुछ नहीं, 7 को 3 बार लिख दीजिए, इकाई अंक आराम से निकल जाए। देखिए 7 49 गुना 7 आ गया ना, तभी 49 में 7 से गुना नहीं करना है, इकाई अंक किसका लेना है, गुना कर देना, तो 9 7 63, तो 63 में 3, इकाई अंक कितना आ गया, 3। अर्थात कहने का मेरा अर्थ यह है दोस्त कि इकाई अंक ही लेते चलना है, गुना भी करना है तो 49 में 7 से नहीं करेंगे, 9 में 7 से कर देंगे। क्लियर, तो अब मैंने दो गो के बता दिया, अब सबको बारी बारी से चार चार डिजिट बता देंगे कि क्या होगा, वही आप लोगों को याद रखना है, चार से भाग देख के बना देना है। तो देखिए पहले देखिए 2 का लिखा दिया, 4 तक याद रखना है, फिर तो शेषफल बोल ही दिए, शेषफल से निकल जाएगा, तो 2 के निकाल दिया, 0 के नहीं लेना है, पहला ही बोल दिया एग्जाम्पल में, 0 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 में कोई चेंज नहीं होगा, आगे चलते हैं और कोई प्रॉपर्टी हो सके आ जाए, 2 के लिख लिए, 3 के लिख लिए, वैसा ही 4 के देखते हैं। देखिए 4 के पावर 1 तो इकाई अंक 4, 4 के पावर 2 इकाई अंक 16 यानी 6, 4 के पावर 3 इकाई अंक 64 यानी 4, 4 के पावर 4 इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 4 16 तो 6 4 4 16 6 6 36। क्लियर, अब देखिए इसमें भी ट्रिक आ गया दोस्त, 4 जब पावर 1 तो 4, पावर 2 तो 6, पावर 3 तो 4, पावर 4 तो 6, दो ही डिजिट रिपीट कर रहा, अर्थात कहने का मतलब यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि अगर इसको भी डायरेक्ट अगर बनाना रहे ना तो इसको भाग भी नहीं दीजिए, डायरेक्ट बना दीजिएगा। नोट में क्या बताते हैं कि यदि 4 के पावर ऑड लिखें
तो हमारा इकाई अंक 4 आया। यदि 4 के पावर इवन लिखते हैं तो इकाई अंक 6 आता है। अर्थात लिख देना यहाँ यही कि जब हम 4 के पावर ऑड लेते हैं, विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या लेते हैं ना दोस्त, तब विषम संख्या लेते हैं ना तो हमारा इकाई अंक आता है 4। आज पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जब 4 के पावर इवेन रहता है ना, सम संख्या, तो हमारा इकाई अंक आता है दोस्त 6। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, ये बहुत, तो इसमें क्या होगा ना दोस्त कि भाग देने की भी ज़रूरत ना होगी, डायरेक्ट निकल जाएगा। जब हम एग्जांपल देंगे ना, 2 4 4 और पावर 333 रहा ना, तो इसमें 4 से भाग भी नहीं दीजिएगा, एकदम नॉर्मल तरीका, लास्ट में 4 पावर ऑड या इवन देखना क्या है, ऑड है विषम संख्या। देखिए जब 4 के पावर विषम तो इकाई अंक 4, जब 4 के पावर सम तो इकाई अंक 6। तो जब 4 के प्रॉपर्टी आए ना, तो डायरेक्ट देखना है ऑड और इवन, अब मार देना है, यहाँ क्या है ई ऑड, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, और जब यही रहता इवन तो आंसर हो जाता 6। क्लियर? तो देखिए मैंने 0 1 2 3 4 तक बता दिया, अब 5 6 चलते हैं। अब देखिए जब 5 के पावर 1 रहेगा तो इकाई अंक 5, 5 के पावर 2 रहेगा तो इकाई अंक 25, तो 5, 5 के पावर 3 तो इकाई अंक 125 यानी 5, 5 के पावर 4 तो 625 यानी 5। ये तो प्रॉपर्टी आ जाएगा 0 1 2 में। देखिए अर्थात जब कोई संख्या 2 5 5 के पावर कितना हो रहे दोस्त, कितना हो रहे सम या इवन, कितना भी रहे, कोई चेंज हो रहा है नहीं, तो 5 में भी एगो लिख लीजिए नोट में कि यदि संख्या के यूनिट डिजिट 5 रहे, माने किसी संख्या के लास्ट में 5 रहे, उसके पावर कितना भी रहे, इसका पावर कितना भी रहे, आपका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। इसका पावर कितनों रहे, क्लियर, एक्स हमारा पते नहीं है, जितना रहे इसका इकाई अंक हो जाएगा दोस्त 5, अर्थार्थ नो चेंज, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। अर्थार्थ मैंने बता दिया था ना कि 0 और 1 में पावर इकाई अंक चेंज नहीं होता, और सही 5 को भी उसमें शामिल कर लीजिएगा, इकाई अंक चेंज नहीं होगा। मैंने नोट में बारीकी से लिखा दूंगा, पहले समझा रहा हूँ कि क्यों नहीं चेंज होता। तो देखिए 5 में कोई भी पावर धरे, इकाई अंक नो चेंज। अब देखिए वो सही 6 देखते हैं, 6, तो देखिए दोस्त 6 के पावर 1 तो कितना 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 फिर 36 के इकाई अंक लेंगे, 6 × 6 36, 6 कोई चेंज नहीं, 6 के पावर 4 कीजिए इकाई अंक 6 ये आए। क्लियर? अर्थात ये भी नोट में कर लेना कि यदि 6 के भी पावर रहे ना, कुछ भी पावर आ जाए दोस्त, तो इसका भी इकाई अंक चेंज नहीं होगा, 6 ही रहेगा। क्लियर? अर्थात 5 के भी इकाई अंक चेंज नहीं, 6 के भी इकाई अंक चेंज नहीं, और उधर बोले हैं 0 और 1 के भी इकाई अंक चेंज नहीं, तो के गो 4 प्रॉपर्टी छाट गया। क्लियर? अर्थात 5 6 0 की इकाई अंक चेंज नहीं, और 1 के, 2 3 के मैंने बताया। अब देखिए 7 के आते हैं दोस्त, तो जब 7 के पावर 1 आ जाए तो आराम से लिखना है 7, 7 के पावर 2 आ जाए तो कितना हो जाएगा 49 यानी 9, 7 के पावर 3 आ जाए तो 963 3, 7 के पावर 4 आ जाए तो 7 21 1। क्लियर? अब फिर 7 के पावर 5 कीजिएगा ना, तो वही आ जाएगा 7। आप करके आप चेक कर लीजिएगा, 7 के पावर 5 कीजिएगा ना तो फिर 7, फिर 7 के पावर 6 कीजिएगा ना 9, 7 के पावर 7 कीजिएगा ना 3, 7 के पावर 8 कीजिएगा ना 1, ऐसे ही रिपीट होते रहेगा। इसीलिए ना मैंने बोला हूँ कि 4 तक हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो ये 7 9 3 1, इसमें कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं, 2 3 वाला ये प्रॉपर्टी है, तो इसको याद कर लेना है। क्लियर? चलिए अब जब 8 के पावर 1 लिखते हैं, 8, 8 के पावर 2, 8 8 64 यानी 4, 8 के पावर 3 तो 8 4 32 यानी 2। क्लियर? 8 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा 8 × 16 6, 8 के पावर 5 6 5 8 6 48 8, फिर ऐसा ही रिपीट होते लगेगा दोस्त 4, फिर 8 के पावर 7 तो हो जाएगा कितना 2। क्लियर?
क्योंकि 832 दो ऐसा ही रिपीट होते रहेगा, अर्थात हमें कितना लेना है, चार तक ही लेना। क्लियर दोस्त? अब देखिए इसी प्रकार से 9 के, कितना का 9 के, तो 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 9, 9 81 एक, 9 के पावर 3 तो 81 एक गुणे 9 9, 9 के पावर 4 9 81 एक, 9 के पावर 5 9, 9 के पावर 6 9 81 एक, 9 के पावर 7 9। यहाँ पे भी ट्रिक लागू एगो हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। जब एक रखे तो 9, दो रखे तो 1, तीन रखे तो 9, चार रखे तो 1, अर्थात देखिए तो जब ऑड रखते हैं तो 9 इवन रखते हैं तो 1, जब ऑड रखते हैं तो 9 इवन रखते हैं तो 1, जब ऑड रखते हैं तो 9 इवन रखते हैं तो 1। अर्थात मेरे दोस्त जब 9 के पावर, इसमें भी चार वाला ट्रिक लागू हो जाएगा, मैं सजा के लिख दूंगा, पहले बताते चलता हूँ। इसमें भी जब 9 के पावर ऑड आ जाए, क्या आ जाए, ऑड विषम, विषम आ जाए तो उसका इकाई अंक 9 होगा, और जब 9 के पावर इवेन आ जाए तो इसका इकाई अंक 1 होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी को क्या करना है, याद कर जाना। क्लियर? अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने बेसिक बता दिया कि कैसे ऐसे आता है प्रॉपर्टी। मैं डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी बता सकता था, ट्रिक बता सकता था कि ऐसे लिख कर देना, लेकिन मैंने थोड़ा बेसिक चर्चा कर लिया कि इकाई अंक कैसे निकलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको कन्फ्यूज दूर हो जाएगी। क्वेश्चन करने से पहले जो जो मैंने जहाँ तहाँ बोला है ना, उसको एक सीरियल ढंग से लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नोट देखिए, इकाई अंक के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए दोस्त कितना डिजिट अंक देखना है, टोटल 10 अंक है, 0 देखना है, 1 देखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही 10 अंक देखना है, और इसी 10 अंक लास्ट में आपको मिलेगा संख्या में। क्लियर? और इकाई अंक निकाल देना है। तो देखिए पहला बताते हैं मेरे दोस्त कि सभी, मैंने कोई भी दे दे तो वो तो चार से भाग देने वाला माइंड आपको पते है, लास्ट में कितना भी संख्या क्यों न दे दे, कोई संख्या हो, इसका पावर जितना दे दे, चार से भाग दे देना है, और चार से भाग दे के जितना शेष आए, या शेष जीरो आ जाए तो चार मान लेना, और जितना शेष आए उसको पावर मान के उसका इकाई अंक निकाल लेना। ये ट्रिक सभी के लिए होगा। क्लियर मेरे दोस्त? सभी के लिए। तो सबसे पहला वो निकाल लेते हैं, पहला स्टेप कैसे फाइंड आउट करेंगे इकाई अंक। तो फर्स्ट स्टेप सभी के लिए क्या करेंगे कि जितना, पहला लिख देते हैं स्टेप कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्त इकाई अंक। तो क्या करेंगे, जितना दिया हुआ रहेगा ना दोस्त, उतना के क्या करेंगे ना कि डिवाइड करेंगे। तो देखिए किसी जो संख्या में पावर रहेगा ना, अर्थात संख्या के पावर में चार से भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। क्लियर? जो शेष आए, और यदि शेषफल जीरो आ जाए, शेषफल जीरो आ जाए, जीरो आ जाए तो पावर चार मानेंगे, कितना मानेंगे, चार मानेंगे। क्लियर? और देखिए चार मानेंगे, और जीरो ना आए, जैसे और शेषफल एक दो तीन आए आ जाए तो पावर यानी घात पावर एक दो तीन ही मानेंगे और इकाई अंक निकाल लेंगे, और इकाई अंक निकालेंगे। देखिए मैंने ये लिखा दिया, आप लोग लिख लीजिए। अब मैं एग्जाम्पल दे दूंगा ना, फट से समझ जाइएगा। जैसे देखिए सभी संख्या के लिए है, कोई इसमें अथी नहीं है। जैसे देखिए मान ली यहाँ रहा 32 8
4, 7, 1 का पावर रहा 26, कितना रहा 26। मैंने बोला कि 4 से पावर में भाग देना, तो आराम से इधर 26 को 4 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 6 चौ 24, शेष कितना बचा 2, तो 2 बचा ना, तो इसका पावर 2 मान लेना है कि अभी पूरा के पावर कितना हो गया 2, माइंड में आराम से मान लेना है 2 मान लिए, तो अब कोई इकाई अंक के पावर समझना है यानी 7 के पावर 2, तो 7 49 और 7 के लिखा भी दिए हैं कि 7 के पावर 2, तो इकाई अंक होता है 9। और उतना अगर मिस कर जाएगा ना, तो यहाँ 7 के स्क्वायर कीजिएगा, 7 × 7 49, इकाई अंक कितना आ गया 9, तो 7 के पावर इकाई अंक कितना हो गया 9, कितना इतना बड़ा संख्या की इकाई अंक 9 ला दिए। ऐसा ही मेरे दोस्त कोई भी संख्या दे दे जैसे इसका 9 ला दिए, अब देखिए मान लिया दे दे 3 2 4 5, क्लियर, और इसका पावर आ जाए 2 8 7, क्लियर। तो देखिए यहाँ तो मैंने बताया था कि जब लास्ट में 5 नजर आ जाए ना, तो उसका इकाई अंक 5 होता, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी से बनाता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी सभी संख्या पे लागू होगा। तो इसको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, तो डायरेक्ट इधर इसको 4 से भाग देंगे, क्लियर दोस्त। तो देखिए 7 4 28, कट गया ना 7 उतारे एक बार में 7, क्लियर। अब देखिए तो एक बार में 4, तो देखिए 7 में 4 गया 3, शेष कितना बचा 3, तो टोटल के मानना है पावर 3, तो मान लिए कि इसको मान लिए कि 5 के पावर कितना आ गया 3। अब 5 को 3 बार भी लिखेंगे ना दोस्त, तो हमारा इकाई अंक 5 ही आएगा। देखिए पपचे 25 25 25 125, तो 125 लेंगे, 5 इकाई अंक आया कि ना आया, अर्थात 5 में चेंज ही नहीं होगा। फिर भी मैं सब पे ये ट्रिक लागू करता हूँ कि ये बेसिक ट्रिक है, उसके बाद बताऊँगा। 5 वाला हो गया। अब देखिए दोस्त यदि मान लिया रहा हमारा ऐसे 2 3 8 के पावर 28, ये भी तो रह सकता है, तो इसको भी क्या करेंगे ना दोस्त, तीसरा एग्जांपल कि 28 को भागा दे देंगे 4 से, तो 7 4 28 पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल हमारा आ गया 0, शेष क्या आ गया 0। तो मैंने बोला है कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो पावर 4 मान लेंगे, अर्थात इसका मान लेंगे कि 8 के पावर कितना 4, इकाई अंक ही लेना है, तो 8 के पावर 4, और हम ये हैं कि 8 के पावर 4 के इकाई अंक कितना होगा, तब भूल गए होंगे, तो कुछ नहीं करना, 8 को 4 बार गुना कर लेना, क्लियर दोस्त। अब देखिए ये दोनों की गुना करेंगे 8 8 64, ये दोनों को गुना करेंगे 8 8 64, अभी 64 × 64 नहीं करेंगे, इकाई अंक दोनों के लेंगे, 4 × 4 16, अर्थात इसका इकाई अंक कितना आ गया 6, तो इसका इकाई अंक 6। ऐसे ही दोस्ती टोटल पे ये वाला ट्रिक लागू होगा, आप लोग ये टोटल नंबर सिस्टम की इकाई अंक जो भी पूछे ना इससे बना सकते हैं। अब जो जो ट्रिक है ना वो 3 पॉइंट लिख देते हैं, क्लियर। अब देखिए 3 पॉइंट वो लिख देते हैं, फर्स्ट लीजिए पहला कि 0 1 5 6 इतना अगर नजर आ जाए ना तो इकाई अंक में नो चेंज होता है, नो चेंज, क्लियर, जो रहेगा वही हो जाएगा इकाई अंक, इतना के स्थान ये नज़र आ गया तो इकाई अंक नो चेंज, सेम जो रहे वही लिखा जाएगा, सेम इसका इकाई अंक कौन कौन हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा वही, इकाई अंक 0 के जगह पर 0, 1 के जगह पर 1, 5 के जगह पर 5 और 6 के जगह पर 6, जो रहा वही लिख देना। दूसरा में दोस्त यदि आपको नज़र आ जाए 4 और क्या नज़र आ जाए 9, क्या 4 या 9, पहले 4 वाला ले लेते हैं, जब लास्ट में आपको 4 नजर आ जाए क्या इकाई अंक 4, तो इसका इकाई अंक के लिए मैंने बताया था कि 4 रहता है जब पावर 1 तो कितना हो जाता है 4, जब पावर 2 तो कितना हो जाता है 16 यानी 6, और जब पावर 3 तो फिर कितना हो जाता है 4, अर्थात इसके लिए बताए थे कि जब 4 के पावर ऑड रहे, कौन सी रहे ऑड, विषम संख्या, तो इसका इकाई अंक कौन सी हो जाएगा 4, इकाई अंक क्या होगा 4, इकाई अंक हो जाएगा 4, क्लियर, इकाई अंक 4। अब देखिए आज जब 4 के पावर इवेन रहे सम संख्या, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6, क्लियर, ये वाला याद रखना है, इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ऐसा ही तीसरा बताए थे
नौ के बारे में, कितना क्या नौ, तो नौ में भी बोले थे कि यदि नौ के पावर ऑड रहे, क्या रहे ऑड यानी विषम संख्या, तो इसका इकाई अंक नौ ही रहेगा, क्या रहेगा इकाई अंक नौ, क्लियर। और यदि नौ के पावर इवेन हो जाए, क्या हो जाए इवेन सम संख्या, तो इसका इकाई अंक एक हो जाएगा। आंख मुन के मार देना मेरे दोस्त, नजर आ गया था इकाई अंक कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। देखिए इतना ट्रिक बता दिए और छेद, हाँ इतना तीन गो स्टेप याद रखना है, और ये सब याद अगर भूल गए ना तो बेसिक तो बोल ही दिए हैं कि चार से भाग दे के बना लेना, और इसके अलावा जो बच गया ना दो तीन और सात आठ बचा ना, इसको तो वो चार से ही भाग दे के बना लेना, क्लियर मेरे दोस्त। अब आराम से इसे बनाना है, मैं एक दो को क्वेश्चन अभी देकर समझा देता हूँ, एग्जांपल फटफट दे देता हूँ। जैसे देखिए तीन दो आठ सात के पावर 128 पहला, दूसरा तीन आठ सात छ पाँच एकर पावर 256 क्लियर, तीसरा आठ सात छ पाँच एकर पावर 198 क्लियर, चौथा तीन दो आठ सात, सात है ना इसको कर देते हैं नौ के पावर 126 क्लियर। इतना में मैं दो को बता देता हूँ और दो को बना के आप कमेंट कीजिएगा, क्लियर। जैसे मैं बता देता हूँ इसको बना देता हूँ और पाँच दो को वाला बता देता हूँ, तो देखिए पहले इसे बनाता हूँ, तो देखिए नौ है, क्या है नौ, अभी बताए हैं कि नौ के पावर देखना है कि इवेन है कि ऑड, ये क्या है इवेन है सम संख्या है, तो जब नौ के पावर सम संख्या ना तो इसका इकाई अंक एक, ट्रिक से मार दिए। चलिए अब देखिए एक पाँच वाला देख लेते हैं, आठ सात छः पाँच एकर पावर 198, तो देखिए ना लास्ट में पाँच ना है दोस्त, तो पावर कुछ भी रहे इकाई अंक वही सेम पाँच बन गया, तो बोलिएगा इतना इजी से आप बना दिए डायरेक्ट, ए बना दीजिए ठीक है, एक नंबर ही बना देते हैं, एक नंबर क्या है जो कहिएगा ना वो बना देंगे। तो देखिए इसके पावर कितना 128, मैंने बोला था कि सात में ट्रिक नहीं, इसको भाग देंगे तो 128 को चार से भाग देंगे, चार तीय 12 और चार दुनिया 8 पूरे कट जाएगा यानी शेषफल जीरो, तो हम बोले ना कि जब शेषफल जीरो आ जाए तो सात के पावर मान लेना है चार, अब सात के पावर चार के इकाई अंक हम बता दिए एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक, तो बोलिए कैसे सात को लिखेंगे चार बार, की बार लिखेंगे चार बार, ससते उनचास इकाई अंक लेंगे नौ और नौ नौनमा 81 इकाई अंक कितना आ गया एक, क्लियर। अब मेरे दोस्त इकाई अंक मैंने यहाँ पे दंड किया और सेट में जो भी मिलेगा बनेगा, और आप जो इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं उसको कॉमेंट में डालिए, अभी तो लगता है टोटल बता ही दिए छूटा कहाँ, और मैं अब सेट इस एक्सरसाइज कर लेकर आऊँगा, और मैंने चार को टोटल वीडियो इस पर अपलोड किया हूँ, वो चार वीडियो आप लोग आराम से देखिए और सेट बनाइए बनेगा, क्लियर। थैंक यू।